आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी दम आलू, जिसे हम फटाफट से प्रेशर कुकर में बनाएंगे और इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे ये इतने टेस्टी बनेंगे कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू होम मेड हैप्पीनेस विद मनीषा। तो आइए बनाते हैं दम आलू। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम के करीब छोटे साइज़ के ये आलू लिए हैं। एकदम छोटे जो दम आलू वाले होते हैं, अगर आपके पास वो हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। जनरली ये घर में सब मिल जाते हैं ये वाले साइज़ के, तो अगर थोड़े से बड़े हों तो उसे 2 पीस में ऐसे कट कर लें। मैंने इनको अच्छे से छीलकर और वॉश कर लिया था। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फिर ऐसे कोई अदरक कूटने वाले से आप इसको हल्का सा ऐसे क्रश कर लें जिससे हल्का सा इसमें दरार आ जाए। इसको 2 पीसेस में ब्रेक नहीं करना है, या फिर आप किसी फोक की हेल्प से इसमें अच्छे से चारों तरफ प्रिक कर दें। ऐसा करने से ग्रेवी जो है वो अंदर तक एब्जॉर्व हो जाएगी आलू में और आलू हमारे फीके नहीं लगेंगे। या फिर आप चाहें तो एक पॉइंटेड नाइफ की हेल्प से भी इसको अच्छे से प्रिक कर सकते हैं। ये भी बहुत फटाफट से होता है, बस थोड़ा सा केयरफुली करेंगे हम फोक या नाइफ से जब प्रिक करेंगे तो। लेकिन ये स्टेप आप ज़रूर करें, तभी आलू में बहुत अच्छा सा अंदर तक टेस्ट आएगा। तो मैंने सारे आलू ऐसे ही प्रिक करके रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं हम। मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लिए हैं जिसमें हमारा पूरी कुकिंग हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सरसों तेल यूज़ किया है। सरसों तेल से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप उसमें बना सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा स्टर करते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। अगर हम इन्हें डीप फ्राई करते तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता, नहीं तो अभी हमें 5 से 7 मिनट्स इसमें लग जाएंगे। बस ऐसे बीच बीच में इसको थोड़ा सा स्टर करते रहें। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं हम एक मसाला रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच लिया है धनिया, 2 बड़ी इलायची ले रही हूँ, 8-10 लिए हैं काली मिर्च के दाने, 1 छोटा चम्मच लिया है शाही जीरा। आपके पास रेगुलर जीरा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। एक जो चक्रफूल आता है एनिसीड, उसका मैंने एक टुकड़ा ही लिया है। 1 छोटी चम्मच ले रही हूँ सौंफ, और 4 मैंने लिए है लौंग, और 1 लिया है दालचीनी का टुकड़ा। जो चक्रफूल था मैं हटा के बाकी सारे मसाले को एक पैन में डाल के रोस्ट कर रही हूँ। हम इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए। अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह गरम मसाला डाल दें सब्जी में, और जब हम तड़का लगाएंगे तो आप उसमें थोड़े से साबुत मसाले डाल दें। लेकिन जो हम ये फ्रेश मसाला पीस रहे हैं उसके टेस्ट ही अलग होता है, उसका फ्लेवर्स ही अलग आते हैं। तो अगर हो सके तो आप ये ज़रूर बनाएं। इसमें हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। बस ये देखिए हमारा रोस्ट हो गया है मसाला, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और अब हम आलू को चेक करते हैं। आलू हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, एकदम बढ़िया सा इस पर गोल्डन कलर आ गया है और एकदम बाहर से क्रिस्प भी हो गए हैं। अंदर से ये 50-60% कुक भी हो गए हैं। देखिए मैं नाइफ अंदर प्रिक करके दिखा रही हूँ, नाइफ इजीली इसके अंदर जा रहा है। बस ऐसे ही होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है लेकिन बहुत ज़्यादा कच्चे भी ना रखें इसको। आलू को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सारे आलू निकालने के बाद ये जो हमारा ऑयल बचा है इसी सेम ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता। मैंने खड़े मसाले इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि हमने फ्रेश मसाला रेडी किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया था। प्याज डालकर हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर ऐसे एकदम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए अनियन में गोल्डन कलर आ गया है। बस ऐसा कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है बेसन। मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच बेसन डाला है इसमें। बेसन इसको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा हमारी सब्जी को। ग्रेवी को थिकनेस देने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सा नटी टेस्ट भी आएगा ग्रेवी में। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप बेसन में ज़रूर डालें। और इसको भी मैं प्याज के साथ ही लो फ्लेम पर भून लूँगी। बेसन को हम कंटिन्यूअसली स्टर करके ही भुने क्योंकि बहुत जल्दी बेसन फिर जल जाता है। तो जो उसमें ऑयल था हमारे प्याज में उसके साथ ही बेसन भी भुन जाएगा। बस 1 मिनट ही मैंने इसको सौते किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, इसको मैंने क्रश करके डाला है। और अदरक को भी मैंने ऐसे कूट के डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और 2 हरी मिर्च भी डाली है मैंने। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप कूट के डालें तो ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसको भी मैं साथ ही में हल्का सा भून लूँगी सारी चीज़ों को। बस 1 मिनट ही मैंने और भुना है क्योंकि अभी हम मसाले डालेंगे, उसके साथ भी हम इसको अच्छे से और भून लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर। और इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ सब्ज़ी को, लेकिन हम मसाले कम डाल के भी इसमें बहुत अच्छे से फ्लेवर्स आएंगे, क्योंकि जो हमने गरम मसाला रेडी किया था वो हम इसमें डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट देगा। मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया है, मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं डाली है सब्ज़ी में, आप अपनी चॉइस से इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, उसको इसमें ऐड कर रही हूँ और टमाटर को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसको भुनना नहीं है, टमाटर को उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में फिर कुक करेंगे ही टमाटर को। टमाटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने मसाला पीस के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 छोटे चम्मच हमारा मसाला रेडी हुआ था, साथ ही मैं नमक डाल रही हूँ और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ जो हमने फ्राई करके रखे थे, आलू को डाल के हम इसमें 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्व कर सके। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है ग्रेवी का, बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग सी लग रही है। जो हमने इसमें बेसन डाला था उससे ही हमारी ग्रेवी एकदम लिपटी लिपटी सी बहुत ही अच्छी सी लग रही है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, मैं यहाँ पर करीब 2 कप के जितना पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर हमें इसे प्रेशर कुक करना है। मैंने इसमें पानी एक बार में ही डाल दिया है क्योंकि जो बेसन है वो भी फूलेगा और जो मसाले हैं वो भी इसमें फूलेंगे तो पानी अच्छे से एब्जॉर्व होगा। अब मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इसको भी मिक्स कर दिया। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 2 विसल लगा दूंगी। जब तक 2 सीटी के बाद हमारा प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है, मैंने खोल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है सब्ज़ी में से और ये देखिए ग्रेवी भी एकदम थिक हो गई है, बहुत ही अच्छा सा कलर भी है। तो सब्ज़ी हमारी रेडी है। अब मैं आलू ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए आलू भी एकदम हमारे परफेक्टली कुक हुए हैं। तो मैं फटाफट से सब्ज़ी को सर्व कर लेती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। इसे देखकर तो भूख एकदम डबल हो गई है। अब आप चाहें तो राइस, रोटी, नान, पूरी, पराठा किसी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।